प्रशांत किशोर जी का सहयोग की अपेक्षा है। मैं उम्मीद करता हूं ब्लूप्रिंट के सवाल पर उन्होंने कही, उन्होंने सही कहा कि घरे घर दारू बिकता है, घरे घर से मंत्री गिरिराज सिंह ने स्वीकार कर लिया है। सत्ता में बने रहने के लिए चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी कहीं भी जा सकते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता है, मैं बात कर रहा हूं कि मेरे पास ब्लूप्रिंट है, जो सहयोग करेंगे मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। प्रशांत किशोर जी का सहयोग की अपेक्षा है। मैं उम्मीद करता हूं ब्लूप्रिंट के सवाल पर उन्होंने कही, उन्होंने सही कहा कि घरे घर दारू बिकता है। उन्होंने सही कहा 2005 में नीतीश कुमार का विकास नहीं था, वो मनमोहन सिंह जी के इकोनॉमिक जो बढ़ रहा था वो थोड़ी विकास हुई थी, लेकिन महाराष्ट्र और अन्य प्रदेशों से बहुत सुन पे। महाराष्ट्र जब 38, 40, 42 सूचांक में था तो बिहार 4 पॉइंट पे था। तो मनमोहन सिंह के समय में थोड़ी विकास की जो दिखी, उसके बाद आज भी उससे बुरा स्थिति बिहार की है। दारू के सवाल पर मंत्री और नंबर दो बोल चुके हैं, उसमें मुझे कहने की नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, आप कौन से नेता का नाम ले रहे हैं जो नेता है ही नहीं। अब कन्हैया जी एक लीडर, अच्छा अपने पार्टी के लीडर हैं, निश्चित रूप से वो अच्छे आदमी हैं, अच्छे लड़के हैं, अच्छा नेतृत्व किए हैं। तेजस्वी यादव लीडर नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता है। तेजस्वी यादव लीडर नहीं है भैया, कन्हैया संघर्ष और एक जेएनयू के संघर्ष से निकला हुआ लड़का है, और दूसरे का नाम आप जिसका ले रहे हैं, ये कहाँ से संघर्ष कर लिया भाई? ये अपने पिता के आधार पर जो आदमी आया अनुकंपा पर, उनको भी आप लीडर बनाएंगे? मुझे तो समझ में नहीं आता, वो भी लीडर बनेंगे? कन्हैया ने संघर्ष किया है, कन्हैया लाठी खाया है, कन्हैया ने देखा है, तो वो शुरू कर रहे हैं। अखिलेश को लीडर कह सकते हैं जो लाठी खाया? आप बिहार में अन्य लोगों को आप कैसे लीडर बना देंगे? रामविलास ही लीडर थे, लालू यादव लीडर थे, लालू यादव लीडर थे। अब चुनावी माहौल में रोजगार के लिए सब लोग यात्रा निकालेंगे, उस पर मेरी बहस नहीं। मैं उस कि पुलिस और चपरा चौकीदार सही कहा है, सब मिल के बेचवा रहे हैं, घरे घर से मंत्री गिरिराज सिंह ने स्वीकार कर लिया है। नीतीश कुमार जी को शराब इन सब चीज़ों को जो बेरोजगार चढ़ चुके हो बिहार में, और हमेशा सत्ता में बने रहने के लिए वो कोई भी गठबंधन और किसी के साथ, और यह मैं आज आपको स्पष्ट कह दूं, सत्ता में बने रहने के लिए चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी कहीं भी जा सकते हैं। पप्पू जी नीतीश कुमार की पुलिस से शराबबंदी कानून के धज्जे उड़ा रही है। नीतीश कुमार जी की पुलिस ही नहीं, नीतीश कुमार जी और लगभग सभी पार्टियों के नेता, छोटे नेता बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व हैं, और माफिया का संरक्षण पुलिस एसपी कलेक्टर का प्राप्त है, और पूरा का पूरा थानेदार इसमें इन्वॉल्व है, जो शराब की टीम बनी है पुलिस में वो इन्वॉल्व है, और शराब घरे घर जा रहा है। भाई मैंने कहा कि मेरे पास ब्लूप्रिंट है, उन्होंने कहा 10 साल, मैं कह रहा हूँ 3 साल और 5 साल। आर्थिक इकोनॉमी के आधार पर मैं 5 साल के बाद की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बेटियों की सुरक्षा, एजुकेशन, हेल्थ, रात के 12 बजे तक बाजार खुला रहे, अपराध को सुन, भ्रष्टाचार को सुन, सिर्फ इकोनॉमी को छोड़ के पप्पू यादव का ब्लूप्रिंट तैयार है कि 3 महीने के अंदर एफिडेविट के साथ कैसे अपराध समाप्त होगा। 12 बजे रात 6 महीने के बाद बाजार खुले रहेंगे, 6 महीने के अंदर किसी भी बच्चियों को 12 बजे बगैर पुलिस और बगैर सुरक्षा के अपने घर लौट पाएगी, और एजुकेशन और हेल्थ किसी भी जाति धर्म वर्ग के जो गरीब बच्चे हैं, पढ़ाई उसकी फ्री, लेकिन किसी भी जाति धर्म वर्ग के बच्चों को रोजगार 2 बीघा से नीचे और बिलो पॉवर्टी लेन है उसकी रोजगार की गारंटी 2 साल के अंदर, कॉलेज का नियमित और स्कूल दुनिया का नंबर 1 3 साल के अंदर, दुनिया का बिहार का स्कूल, और हेल्थ नंबर 1, किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं, जांच कंप्लीट फ्री, हर जाति धर्म वर्गों की जांच कंप्लीट फ्री, उसमें कोई बहस नहीं, कोई लेना देना नहीं। जो सबसे ज़्यादा बोझ है एजुकेशन और हेल्थ,
वो 2 साल और 3 साल के अंदर मेरे पास ब्लूप्रिंट है, 6 महीने के अंदर अपराध मुक्त बिहार है, माफिया मुक्त बिहार है, 6 महीने के अंदर भ्रष्टाचार आपको ब्लॉक से कहीं नहीं मिलेगा, और बच्चियों की सुरक्षा मेरी सर्वस्व गारंटी है। जाति धर्म के आधार पर कोई राजनीति बिहार में प्रश्रय नहीं होगी। सिर्फ बिहार और बिहारियों के नाम पर एक विकल्प के साथ हम संकल्प ले रहे हैं।